नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों के त्रिदिवसीय दिव्य सत्संग हुआ प्रारंभ। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बुधवार को एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा दिव्य मंत्र के दृष्टात्री सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों ने त्रिदिवसीय दिव्य सत्संग के प्रथम दिन रॉयल बैंक्वेट हॉल खुशहालपुर में उपस्थित धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा है परमेश्वर, तू सच्चा है और तेरा नाम सच्चा है। कहा, जीवों को मोक्ष कैसे मिले इसके प्रवचन दिए। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, परंतु सत्य से भी श्रेष्ठ है हितकारक वचन बोलना, जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, वही मेरे विचार से सत्य है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करें, सबके प्रति मित्र भाव रखते हुए किसी के साथ बैर न रखें। धरती के पुत्रों, वायु कहती है सदैव गतिशील व सक्रिय रहो और निकम्मे होकर मत बैठो। पृथ्वी कहती है अखंड सहनशील बनो, क्षमादान बनो। प्रवचनों के बाद निरंकार प्रभु परमेश्वर तथा सच्चे गुरु की आरती हुई, स्वस्ति वाचन का गायन हुआ तथा नामदान संस्कार हुआ। इसके पश्चात अधिक संख्या में माताओं, बहनों व पुरुष वर्ग ने नामदान मंत्र दीक्षा ग्रहण कर तथा अपने आप को पारब्रह्म परमेश्वर की शह पर चलने का संकल्प लिया। उसके बाद प्रसाद वितरित हुआ। इस दौरान सत्संग के मीडिया प्रभारी जागेश शर्मा ने कहा कि 2 बजे से बाबा के प्रवचनों को सुनने के लिए सभी अनुयायी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। महादेव शिव को हम देखते हैं, माला जप रहे हैं, तो हमारे जो सनातन धर्म से संबंधित लोग हैं ना, वे अटकलें लगाते रहते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना धर्म ग्रंथ पढ़ा नहीं है। मोनिश, तुमने कुरान थोड़ा बहुत पढ़ा है, है? उसमें कुरान में तुमने वो पढ़ा है अल किताब और लोहे महफूज, वो किसको कहते हैं पता है तुम्हें? मुझे इसका तर्जुमा नहीं पता, तो बिना तर्जुमा के क्या ज्ञान होगा? वो वेद को ही अल किताब कहते हैं, जो अल्लाह ताला के हाथ में है और जिसमें से वो फरिश्तों को पढ़ पढ़ के सुनाता है, उसको अल किताब और लोहे महफूज कहा गया है। और लोहे महफूज, अल किताब, अल किताब यानी सबसे पहली किताब जो परमात्मा के हाथ में है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं ना, लिखें तो अच्छा है, कभी कोई विवाद कर दे और